Diwali series. I hope you all are doing well. So guys, this is my second video on my Diwali series. So अगर आपने मेरी first Diwali video अभी तक नहीं देखी है, तो please check this out. मैं इसका link description में दे दूँगी. As you all know that diyas are the most important part of any festival, especially Diwali. तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इन tea lights के लिए holders बनाए जाएं. And before starting the video, if you are new to my channel, make sure that you subscribe to my channel and hit that bell icon for my regular updates. Now, without any further ado, let's get started. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लूँगी ये कार्डबोर्ड रोल्स. ये मेरे पास बहुत टाइम से पड़े हुए थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं इनका क्या बनाऊँ. But then I got this idea कि क्यों ना इसे as a tea light holder use किया जाए. सो एज यू कैन सी मैंने अपने सारे पीसेस को सेंटर में से कट कर लिया है एंड अब बारी है इस पर पेंट करने की. तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये एक्रेलिक कलर्स एंड मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग इन पर रैंडम कलर्स का यूज़ करूँगी. तो मुझे ये DIY काफ़ी कलरफुल चाहिए था, तो इसलिए मैं इस पर ये ब्राइट कलर्स का यूज़ कर रही हूँ. बट गाइस, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी कलर्स का यूज़ कर सकते हो. एंड गाइज, आप इन कार्डबोर्ड रोल्स की जगह टेप्स खत्म होने पर रोल्स बच जाते हैं, आप उनको भी यूज कर सकते हैं. तो इस पर पेंट कर देने के बाद अब मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि मैं इसको कैसा पैटर्न दूं. एंड इसका पैटर्न डिसाइड कर देने के बाद मैं इसको फाइनली ग्लू गन से अटैच कर दूंगी. तो गाइज, मैंने इस DIY को काफ़ी सिंपल रखा है, मैंने जस्ट इसको कलर किया है. तो अगर आप इस पर कुछ और भी डिटेलिंग ऐड करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर इट. बट मुझे ये ऐसे ही सिंपल काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसे एज इट इज ही छोड़ दिया. आप इस पर कुछ लेस की डिटेलिंग कर सकते हो या कुछ बीड्स वगैरह लगा सकते हो या फिर आप इसे एक एथनिक लुक भी दे सकते हो. And that's it. Our first DIY is ready. Add some artificial LED candles and ta-da! It looks absolutely beautiful, so pretty. Looks like one of those deco pieces जो हम handicraft stores पर देखते हैं. You can also use it vertically like this. ऐसे भी ये काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे. What do you guys think? Please tell me in the comment section below. तो for my next DIY मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये एक wooden plank जो मेरे पास पड़ा हुआ था and मैंने पिछली दिवाली के time भी इसको use किया था as a candle holder and इस बार भी मैं इसे as a candle holder ही use करने वाली हूँ. फर्स्ट मैं अप्लाई करूंगी इस पर जेसो का एक कोट ताकि जो इसका सरफेस है वो अच्छे से इवन आउट हो जाए. तो जब तक ये ड्राई होता है हम बना लेते हैं अपने टी लाइट होल्डर्स, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये स्मॉल कार्डबोर्ड्स को राउंड सर्कुलर शेप में कट कर लिया है एंड मेरे पास ये कुछ सी शेल्स पड़े हुए थे तो मैं इनको यूज करने वाली हूँ. तो इसे बनाने के लिए मैं इस कार्डबोर्ड पर ग्लू गन की हेल्प से इसको एक एक करके लगाती जाऊंगी एंड एज यू कैन सी गाइज, मैं इसको उल्टी साइड से ऐसे लगा रही हूँ ताकि ये एक फ्लावर जैसा लुक दे. गाइज, इफ यू डोंट हैव दीज सी शेल्स तो आप इसकी जगह पिस्टाचोस के जो छिलके होते हैं आप उसको भी यूज कर सकते हो और यू कैन यूज प्लास्टिक स्पून्स ऑल्सो. हमारा ये टी लाइट होल्डर बनकर रेडी है एंड मैंने ऐसे थोड़े दो बड़े बनाए हैं एंड तीन छोटे बनाए हैं. तो
अब हम करेंगे इस पर पेंट। एंड इस पर पेंट करने के लिए मैं यहाँ पर छोटे वाले साइज के टी लाइट होल्डर्स हैं उसको मैं गोल्डन कलर से पेंट करूंगी। तो गाइज इस प्रोसेस को थोड़ा और सिंपल बनाने के लिए आप यहाँ पर गोल्ड स्प्रे पेंट का भी यूज कर सकते हो या फिर आप इसे एज इट इज भी छोड़ सकते हो अगर आपको इनका नेचुरल कलर चाहिए तो। तो बाकी के दो टीलाइट होल्डर्स के लिए मैं यहाँ पर ये पिंक पर्ल कलर का यूज कर रही हूँ। तो मैं इस वुडन प्लैंक पर थोड़ा ब्राइट कलर देना चाहती थी तो मैं इस पर ये ब्लू पर्ल कलर का यूज कर रही हूँ। एंड मैं यहाँ पर गोल्ड ब्लू एंड पिंक कलर का कॉम्बिनेशन बना रही हूँ गाइज जो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। पेंट्स के ड्राई हो जाने के बाद अब मैं इसे ग्लू गन की हेल्प से अपने स्टील लाइट होल्डर्स को मैं इन पर पेस्ट कर दूंगी। बाकी दो बचे टी लाइट होल्डर्स को मैं थोड़ा सा एक हाइट देना चाहती थी तो इसलिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ ये प्लास्टिक की बॉल्स। एंड मैंने इसको गोल्ड कलर से पेंट कर लिया है एंड मैं इसको जस्ट सिंपली इन टी लाइट होल्डर्स पर स्टिक कर दूंगी ग्लू गन की हेल्प से। लास्ट में इसे डेकोरेट करने के लिए मेरे पास ये कुछ गोल्डन स्टिकर्स पड़े हुए थे तो मैं इनको यूज करने वाली हूँ यहाँ पर। एंड लास्ट में इसे प्रोटेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ ये स्प्रे वार्निश। एंड दैट्स इट, आवर टी लाइट होल्डर इज रेडी। This is looking so pretty. So I'm going to use this as a centerpiece. आप इसे सिर्फ दिवाली के लिए ही नहीं आप इसे दिवाली के बाद भी as a home decor item use कर सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा pretty लगेगा। So guys, after watching this video, I'm sure that you are also planning to create these beautiful DIYs for your home. And do check my Instagram for more such DIYs. And if you like my any artwork on my Instagram, and if you feel you don't want to create it, then let me know. I'll create it for you. You can just order it on my Instagram handle. Thank you so much for watching this video and keep following my Diwali series. Till then, take care and stay safe. Bye bye.